RMS current in the circuit connected to 50 hertz AC source is 15 ampere. The value of the current in the circuit 1 by 600 seconds after the instant the current is 0 is. एक बार alternating current समझते हैं. How do we plot, what is the equation of alternating current? I is equal to I naught sin omega t. और आपको पता होगा sin का graph ऐसे होता है. Right? This is sin 0 पे 0 हो गया. And ये हमारा है t by 4. This is t by 2. And this is time period t. ठीक है, दिस इज करंट, दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट. अब हमें बोला है वी हैव टू फाइंड द करंट इन द सर्किट 1/600 सेकेंड्स आफ्टर द इंस्टेंट द करंट इज जीरो. अब करंट जीरो तो यहीं पे या टाइम जीरो पे, तो बेसिकली ये कह रहा है कि करंट फाइंड कर दो एट स्मॉल टी 1/600 सेकेंड्स. क्वेश्चन यही है, करंट इज जीरो हियर, एट टाइम जीरो करंट इज जीरो. तो टाइम 1/600 सेकेंड्स के बाद करंट का वैल्यू क्या होगा, मतलब इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, करंट एट 1/600 सेकेंड्स हमें फाइंड करना है. सो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन व्हाट इज ओमेगा 2 पाई एफ. ठीक है, तो ये हमारा वैल्यू हो गया करंट का. आई हैव टू फाइंड इंस्टेंटेनियस वैल्यू, मुझे ये वैल्यू फाइंड करना है. आई नॉट कैसे फाइंड करना है, आई आर एम एस आपको गिवन है 15 एम्पियर. व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन आई आर एम एस एंड आई नॉट, आई आर एम एस इज आई नॉट अपॉन रूट टू. सो आई नॉट इज 15 रूट टू साइन 2 पाई एफ, एफ इज 50 हर्ट्स, स्मॉल टी आपको गिवन है 1/600, दिस विल बी 12, दिस इज 6. व्हाट इज साइन पाई बाय 6, साइन पाई बाय 6 इज साइन 30 हो गया आपका, विच इज 1/2. सो 15 root 2 इंटू 1/2, आंसर इज 15 अपॉन √2 एम्पियर. दिस इज योर आंसर.